अब मैं दिखता थोड़ा नौजवान हूँ पर मेरी आत्मा बहुत बूढ़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को भाजपा के शाठूरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ यह भी कहा कि मैं दिखता नौजवान हूँ लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं कह रहा था कि ये चुनाव आपके और आपके आने वाली पीढ़ी की भविष्य की बात है। क्यों? 2003 में जब उनकी सरकार थी तब मध्य प्रदेश के अंदर और अशोकनगर के अंदर और हर जिले के अंदर हमको देखना पड़ता था कि गड्ढा कहाँ खत्म होता है और सड़क कहाँ शुरू होती है। सही है कि नहीं? अरे तो आवाज आनी चाहिए ना। सही है कि नहीं? पुराने जमाने में अब मैं दिखता थोड़ा नौजवान हूं पर मेरी आत्मा बहुत बूढ़ी है। पूछना मत मेरा उम्र क्या है। पुराने जमाने में जब गांव में सड़क नहीं होती थी ना, हम कहते थे पगडंडी पकड़ लो। सही है कि नहीं? और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन 18 वर्षों में ऐसे मखमल की सड़कें हमने बना दी हैं कि पगडंडी हमारे शब्दकोश से ही निकल गया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, दो की जोड़ी है। छोटे भाई बड़े भाई, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी उनका असली चेहरा जान चुका है। छोटे भाई और अरे मेरे साथ बोलो, छोटे भाई और बड़े भाई कहते हैं ऐसे ही मंच से। वैसे तो मैंने अपने तरफ अपने ऊपर गाली खाने की पावर अटर्नी मैंने मेरे अपने छोटे भाई को दे दी। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बात करता है, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि पटवा जी कैलाश जोशी जी के बारे में ऐसी बात करेंगे? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि बाबूलाल गौर शिवराज सिंह जी के बारे में ऐसी बात करते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि मेरी गाली खाने की पूर्व पार्वटनी मैंने इसके नाम पे दे दी, चले जाओ। अरे भी आ रहा हूं। गौरतलब है कि अशोकनगर से एक बार फिर जजपाल सिंह जज्जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के मतदान 17 नवंबर को होंगे जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।